वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले से पहले अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने भी बयान दे दिया है जी हाँ दोस्तों रोहित शर्मा ने यहां पे कई मुद्दों के बारे में बात किया और साथ ही साथ यहाँ पे अपनी रणनीति भी बताई है तो चलिए जरा एक बार रोहित शर्मा के बयान पे नजर डालते हैं कि आखिर उन्होंने अपने बयान में क्या कहा हमें उनके प्रभावी होने से कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने अपने आखिरी आठ मैच जीते हैं यह अच्छा मुकाबला होगा और दोनों टीमें खेलने के लिए काबिल है ये मेरा सबसे बड़ा मोमेंट है मैं 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखते ही बड़ा हुआ हूँ हमें इस बात पर ध्यान देना है कि ज़रूरी क्या है बहुत फोकस और टाइम इस बात को दिया गया है कि हमें उसी पर डटे रहना है हमने पहले मैच से एक चीज़ को बरकरार रखा है और वो है शांति एक भारतीय क्रिकेटर होने के नाते आपको दबाव झेलना पड़ता है और यह स्थिर है एक एलिट खिलाड़ी के रूप में आपको आलोचनाओं दबाव और प्रशंसाओं को झेलना पड़ता है ऐसे ही कई मुद्दों पे बात की है रोहित शर्मा ने मैच से पहले ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने यहां पे बता दिया कि एज एज अ अ प्लेयर एलीट प्लेयर आपको प्रेशर, आपको आपको प्रेशर क्रिटिसिज्म आलोचनाएं सब कुछ झेलनी पड़ती है तभी आप एक एलिट प्लेयर बनते हो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि हम काफी शांत रहे हैं और जो कि दिखा भी है यहां पर रोहित शर्मा ने लगातार मैच जीत के इतिहास रच दिया है और साथ ही साथ मैं आपको बता दू कि वो कह रहे हैं कि भले ही ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार आठ मुकाबले जीत के आई हो और उन्होंने यह भी कहा कि देखिए जो मुकाबला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट का महाकुंभ का फाइनल उसमें एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा मतलब कि यह टक्कर का मुकाबला है और कहीं ना कहीं यह बात हम सब जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम इस मुकाबले को एक तरफा भी कर सकती है या फिर टक्कर का भी कर सकती है तो कहीं ना कहीं देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि रोहित शर्मा का बयान आना रह रहा था फाइनल मैच से पहले अब उनका भी बयान आ गया है जैसे कि हमने आपको हमारे चैनल पर बताया कि देखिए पैट कमिंस ने बयान दिया था अब उनके पलटवार करते हुए रोहित शर्मा का यहां पर बयान आ गया है तो कहीं ना कहीं दोनों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राय तो बता दी और साथ ही साथ आपके पास भी मौका है अपनी राय बताने का आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ साथ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो ज्यादा शेयर करें लाइक करें चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें तूफान स्पोर्ट्स